बर्थडे पार्टी में और इनके बहुत से रिलेटिव मतलब इनकी दो ननंद आए हुए हैं, सासू जी भी आए हुए हैं। और बर्थडे वगैरह होता है तो फैमिली साथ में होती है तभी ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब एक तो हम घर वाले मम्मी पापा दो होते हैं और ये भुआ वगैरह मतलब इतने दूर से आए हैं, दो दिन यहाँ रुकने के लिए आए और दो दिन इनका ट्रेन का सफ़र रहा है और सबको वैसे छुट्टी वगैरह का सिस्टम सेट नहीं बैठता है, तो मुश्किल से दो दिन का टाइम निकाल के आए अपने भतीजे के बर्थडे पे। और सबसे मिलके अच्छा लगा, सब बहुत अच्छे थे नेचर वाइज। और सब जॉब वाले हैं तो फिर उनके पास टाइम नहीं होता, तो वरना तो रुक भी जाते हैं। और ये दादी सा है, इन्होंने अच्छे से हवन पूजा करें, पहले पूजा पाठ करें और फिर बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये यूवी की दादी सा है जो सब बच्चों को, जितने भी बच्चे आए थे पूजा करने के बाद में, सबको टीका लगा रहे थे और सबका नाम पूछ रहे थे। और नाम पूछ के साथ में ये सबको कह रहे कि रोज नहा के पूजा करके टीका लगाना होता है। और इनका नेचर मुझे बहुत अच्छा लगा। ये अभी रुके हुए यहाँ पर, दो चार दिन रुकेंगे। और सब बच्चे खुश थे, पर बाकी लेडीज़ में मतलब नहीं आए थे। मैं इसलिए गई क्योंकि चिकू की वजह से, चिकू अकेला मैं उसको भेज नहीं सकती क्योंकि वोल्टे काम बहुत ज़्यादा करता है, इसलिए मैं गई। पर मुझे ऐसे थोड़ी शर्म भी आ रही थी कि कुछ और लेडीज़ नहीं थी, फिर कुछ देर बाद में और आ गई थी, तो फिर मेरे ऐसे सेट हो गए कि पास में कोई मेरे बैठा है। और बस अब सबके तिलक विलक लग गए और थोड़ी देर में बर्थडे सेलिब्रेट होने वाला है। और ऐसे नियम से मतलब पूजा पाठ से बहुत कम लोगों में ही होता है, आजकल लोग नहीं करते हैं इतना। वेरी गुड, अरे वाह, रोज तिलक लगाया करो, ठीक है। नाम बताओ अपना, नाम क्या है? नाम क्या है? ध्रुव राज सिंह। अरे वाह ध्रुव। तो फ्रेंड्स, यूवी की मम्मी की तो बिल्कुल तबीयत खराब हो गई थी, गला खराब इतना था कि आवाज़ ही नहीं आ रही थी। और यूवी मस्त पोज दे के फोटोशूट करवा था, पर चिकू का यहाँ पे इतना ध्यान रखना पड़ रहा था मुझे क्योंकि वो बस केक के पास ही जा रहा है, उसको केक को टच करना, उसको काटना है। और उसको बोलते तो वो बोलता यही बात करता, मेरा बर्थडे है, मेरा बर्थडे है। मतलब वो कहीं पर भी जाता ना, उसको पंचायती पूरी रहती है, केक मतलब मैं ही काटूंगा, कोई और क्यों काटेगा। फिर भी मतलब थोड़ा बहुत उसने टच कर ही दिया था, एक बार तो अंगुली से टच करके थोड़ा खा भी लिया था, पर नहीं रुकता यार। मैं इसका बहुत ध्यान रखती, फिर आप लोग कमेंट करोगे अपने बच्चों का ध्यान रखा करो, पर ऐसे 24 घंटे पकड़ के तो नहीं रख सकते ना। पकड़ती हूँ तो रोता है, फिर छोड़ना पड़ता है, छोड़ती हूँ तो जाके उल्टे काम करते हैं। और ये है यूवी के मम्मी पापा और चिकू पहुँच गया देखो बिल्कुल पास में। और यूवी बिल्कुल चिकू जैसा है। तो फ्रेंड्स, बर्थडे सेलिब्रेट करना अच्छी बात होती है, पर बच्चों को बुला के फिर जो सीन होता है ना, वो आप सोच नहीं सकते। बच्चों ने इतना हंगामा कर रखा था ना, इतना चिल्ला रहे थे, हर कोई बलून फोड़ने में लगा हुआ था, सबको बस उल्टे उल्टे काम करने, एक मिनट के लिए कोई बैठता नहीं है। एक ही आदमी कुछ आ जाता है तो सबको वही काम करना, सबको वही चाहिए होता है। और यहाँ भी ये बलून फोड़ने का चल रहा है अभी, तो इसमें भी सबका ये था, वो सोच रहा मैं फोड़ देता हूँ, वो सोच रहा मैं फोड़ देता हूँ, सबकी यही चल रही। सोरू भी स्विमिंग से आ गया था, फिर सीधा यहीं आ गया था। और यहाँ पे इनका थोड़ा डांस प्रोग्राम चल रहा है, पर शौर्य का डांस मैंने खुद ने फर्स्ट वाली देखा है, ये फलक से चांद लाऊंगा उस गाने पे डांस कर रहा है। और मैंने इसको बाद में पूछा तूने ये डांस कहाँ सीखा था, तो बोला स्कूल में सिखाया था। और वैसे कुछ ज़्यादा डांस का प्रोग्राम नहीं चला क्योंकि कोई बच्चे कर ही नहीं रहे थे, ये सोरू ने किया, एक इनका जो भांजा आया हुआ था उसने करा था थोड़ा सा। और बस अच्छा रही पार्टी, फिर बच्चे खाने वाने में लग गए थे और बच्चों का कुल मिला के इंजॉय हो गया था। बच्चे खुश भी होते हैं कि बर्थडे है, सब मेरे को बुलाया है, मुझे जाना है,
तो ऐसे करके, वरना तो बेचारे घर में ही रहते हैं पूरा। तो फ्रेंड्स इन लोगों ने केक भी घर पे बनाया था, जो एरोप्लेन वाला केक बनाया था, बहुत अच्छा बनाया था।